सर्दी का मौसम है तो घर में आप गीजर या रॉड का इस्तेमाल करते होंगे, लेकिन गीजर या रॉड का इस्तेमाल करते हुए आपको सावधानी भी रखनी होगी, वरना ये आपके जान पर भारी पड़ सकता है। समझाते हैं आपको पूरा मामला। दरअसल बहुत सारे मामले सामने आ रहे हैं करंट लगने की वजह से दुर्घटना हुई है, और ये करंट या तो गीजर की वजह से लगा है या फिर रॉड की वजह से लगता है। लेकिन अनुमानन कई लोग ये गलती करते हैं कि इलेक्ट्रिक रॉड का इस्तेमाल करते हैं तो जब वो पानी गर्म करते हैं तो वो स्विच को बिना बंद किए ही पानी में हाथ डालकर रॉड को निकालने की कोशिश करते हैं, या फिर पानी में हाथ डालकर ये चेक करते हैं कि पानी गर्म हुआ है या नहीं। ऐसे में बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको करंट लग जाएगा और आपके साथ दुर्घटना हो सकती है। अगर आप गीजर का इस्तेमाल करते हैं तो आप गीजर को ऑन करके मत नहाइए। जब भी आपको नहाना है तो पहले आप गीजर में पानी को गर्म कर लें, फिर उसको ऑफ करके ही नहाएं। वरना अगर गीजर में किसी भी तरह का शॉर्ट सर्किट हुआ तो गीजर से ट्रेवल करके करंट पानी तक आ जाएगा, और जब भी आप पानी से नहा रहे होंगे तो आपके साथ उस करंट की वजह से क्या कुछ गलत हो सकता है ये आप अच्छी तरह समझ ही गए होंगे। इसलिए बहुत सावधानी रखिए और ये जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर भी जरूर करिए। कैसा लगा आज का ये वीडियो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी जरूर बताइए।